श्री लाल वडराईजी महाराज ना प्रागट्य महात्मय गंगेव ऋषि के जेओ खाखराना वन जे हालनु श्री लाल वडराईजी नु मंदिर छे त्यां तपश्चर्या करता ऋषिना तपोबळनी प्रसिद्धि चारे कोर थवा लागी। ते समये जूनागढ़मां राजा राम मांडलिक राज करता हता। तेओने जाण थता तेओ गंगेव ऋषिना दर्शन करवा खाखराना वनमां पधारे छे अने कीमती आभूषण हीरा मोती वगैरे ऋषि ने भेट धरे छे। गंगेव ऋषि आ बधी वस्तु जोई अने राजा ने कहे छे, हे राजन, आ बधी वस्तु मारा माटे नकामी छे। जो तमो मारा थी प्रसन्न ज होय तो मने गंगाजी अहीं पधरावी आपो। मारी इच्छा हर रोज गंगा स्नान करवानी छे। आ वात सांभळी अने राजाए दरेक गामोए माणसो गोठवी अने गंगाजी ने पधरावानी व्यवस्था करी। आथी आम दररोज ऋषिनो गंगा स्नाननो एक प्रवाह चालू थई गयो, जेने आजे आपणे गंगा जळिया तरीके ओळखीए छीए। समय जता ऋषिनु शरीर क्षीण थई गयुं अने तेओने लेवा माटे आकाशमांथी विमान आव्युं। परंतु ऋषिनी इच्छा हती के आ पवित्र स्थान पर हररोज यज्ञ थया करे। त्यारे आकाशमांथी आकाशवाणी थई, अहीं गौस्वामी श्री गोपेन्द्रलालजी पधारशे अने मंदिरनी स्थापना करशे, पछी नित्य यज्ञ थशे। धर्मनी रक्षा करवा माटे श्रीमद वल्लभाचार्यनु प्रागट्य आ पृथ्वी लोक पर थाय छे। आप श्रीए श्री कृष्ण प्रभुनु बाल लीलात्मक स्वरूप समझावा माटे पुष्टि मार्गनी स्थापना करी अने आप श्रीना लाल श्री विठ्ठलनाथजी जेओए पुष्टि मार्गनी सेवा रीत बतावी। आप श्रीना पंचम लाल श्री रघुनाथजी अने रघुनाथजीना लाल आपड़ा प्रभु श्री गोपाल लाल जी के जेओए वैष्णवों माटे अलग सकल सृष्टि नी स्थापना करी। आप श्रीना लाल प्रभु श्री गोपेन्द्रलाल अने प्रभु श्री गोपेन्द्रलाल ना लाल श्री जमुनेश महाप्रभु जी जेओए आपड़ी सकल सृष्टि नी संभाळ लीधी। प्रभु श्री गोपेन्द्रलाल जी व्रजमाथी प्रदेश करवा माटे ब्रजमां पधारे छे। जे वखते जूनागढ़ना दीवान ने त्यां प्रभु श्री नो उतारो थतो, एक समय दीवान ने मन में अहंकार थाय छे, हूँ राज्यनो दीवान जेथी प्रभुश्री अने आटला मोटा वैष्णवना जूथनु समाधान करी शकू छू, नहींतर शू थाय। प्रभुश्री दीवानना मननी वात जाणी गया अने रात्रे ज त्यांथी वैष्णवोना जूथ साथे विदाय थाय छे अने वडाल गामे एक लोहाणा वैष्णवना डोशीमां रोज रेटियो कांती अने एक दोकड़ो जमा करता, एक दिवस प्रभु जरूर पधारशे, मारो मनोरथ पूर्ण करशे एवी एमनी श्रद्धा हती। डोशीमानो मनोरथ पूर्ण करवा प्रभुश्री त्यां पधारे छे, पोताना भक्तनी इच्छा पूर्ण करे छे अने डोशीमाने आज्ञा करे छे, आप बाटनी सामग्री बनावीने बाजूमां गंगा जळिया कांठे खाखरानुं वन छे त्यां आवो, हूँ तमारो मनोरथ पूर्ण करीश। आम प्रभुश्री 4000 वैष्णवना जूथ साथे गंगा जळियाना कांठे पधारे छे अने त्यां रोज मनोरथ उत्सवो थाय छे। वैष्णवो खूब आनंद करे छे। ते समये गोकुल थी कासद आवे छे अने पत्र प्रभुश्रीने आपे छे। लालजीए लीला विस्तारी जेथी गोकुल जवू पड़शे। आ सांभळी सर्वे वैष्णवो विलाप करे छे, प्रभु आप गोकुल पधारो पछी अमारू कोण? त्यारे प्रभुश्री आज्ञा करे छे, एक सूका वड़नी डाळी लईने आवो। सूका वड़नी डाळी सामे प्रभु दिव्य दृष्टि करे छे अने डाळीने पोताना कर कमल द्वारा जमीनमां रोपी अने केसरी स्नान करावे छे। पलघड़ीमां डाळीमांथी त्रण पानना कूपळो फूटी निकळे छे। वैष्णवोने खूब ज आनंद थाय छे। प्रभुश्रीए संवत 1727ના ભાદરવા વદી 14ને મંગળવારે શ્રી લાલ વડરાઈજીનું પ્રાગટ્ય કર્યું અને વૈષ્ણવોને આજ્ઞા કરી, આ વડ એટલે શ્રી લાલ વડ એ મારું જ સ્વરૂપ છે, હું અહીં અહોનિશ બિરાજીશ, તમારા મન મનોરથ પૂર્ણ કરીશ। આપ શ્રીના મહાન ભગવદી ભક્ત સવા રાવલને સેવા સોંપી અનહદ કૃપા વર્ષાવી પ્રભુ શ્રી ગોકુલ પધારે છે। ગંગેવ ઋષિને આપેલ વચન પાળવા પ્રજના ભગવદ ભક્તોનો ભાવ અંગીકાર કરવા અને આપ શ્રીના ભગવદ ભક્ત દીવાનનો અહંકાર દૂર કરવા શ્રી લાલ વડરાઈજીનું પ્રાગટ્ય કરી અને પ્રજના ભગવદ ભક્તો પર મોટી કૃપા કરી। સમય જતા
ભિયાળ ગામે આવેલી હવેલી એટલે કે શ્રી લાલ વડરાયજીનું મંદિર જય શ્રી ગોપાલલાલ મહારાજ શ્રીની સકલ સૃષ્ટિનું મોટું તીર્થધામ બની ગયું। અહીં પ્રભુ શ્રી ગોપાલલાલ, પ્રભુ શ્રી ગોપેન્દ્રલાલ, પ્રભુ શ્રી જમુનેશ મહારાજના પ્રાગટ્ય તિથિ છઠ, ચૌદશ, દશમ વૈષ્ણવો દ્વારા મનોરથ મનાવવામાં આવે છે અને સમગ્ર ગુજરાત તથા ભારતભરમાંથી મોટી સંખ્યામાં વૈષ્ણવો પધારે છે અને દર્શનનો લાભ લે છે। આ રીતે વર્ષો પહેલા થયેલ આકાશવાણી અને ગંગેવ ઋષિની ઈચ્છા મુજબ મનોરથ રૂપી યજ્ઞો થતા રહે છે। દર વર્ષે કાર્તક વદ છઠના દિવસે શ્રી ઠાકોરજીને અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવે છે, જેના દર્શનનો લાભ હજારો વૈષ્ણવો લે છે। જય શ્રી ગોપાલ।